Hello everyone. Today I, Pankaj, is an international motivational speaker once again with you today. But today our topic is very common for every Indian, for each and every Indian I must say. My topic today is how to speak fluent English. And whenever we talk about the fluency in English, we people face problem. Aap India mein har third aadmi se baat karoge to aapko pata lagega ki they are facing problem with English. Aur har aadmi aaj English se kahin na kahin pareshan bhi hai. Har jagah English ki zarurat hai. Aap in job ke interview ke liye jaate hain, job interview ke liye jaate hain, aapko English ki zarurat hai. Aap ek school pe admission lene jaate hain to wahan par bhi physical counseling aapko English ki zarurat hai. Aap college ke admission ke liye English ki zarurat hai. Even अगर एक लड़का लड़की से बात करना चाहता है तो उसको इंग्लिश की जरूरत है और एक लड़की लड़के से बात करना चाहती है तो इंग्लिश की जरूरत है और आपकी इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं इंग्लिश से मेजर की जाती है. अगर एक छोटा बच्चा बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलता है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है. अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है. अगर आप ग्रेजुएट है इंग्लिश नहीं बोलते इसका मतलब आपकी जॉब नहीं लगेगी. अगर आप ट्वेल्थ पास आउट और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं. तो क्यों इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज आज हमारे लिए बन चुकी है उसको आज सीखा जाए कि हम इंग्लिश को कैसे अच्छे से बोल सकते हैं. सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब अपनी मातृभाषा को या अपनी जो रीजनल लैंग्वेज को जब सीखा वो कैसे सीखा. डेफिनेटली आपने एक चीज नोट की होगी, बच्चा स्कूल जाने से पहले ये बताता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे टॉय चाहिए, मुझे ये चाहिए. आप लोगों ने ये सब चीजें अपने छोटे बच्चे में नोट की होंगी, आपके बड़े आपके छोटे भाई बहन में नोट की होंगी, आपके भाई के बच्चों में, आपकी बुआ के बच्चों में आपने ये चीजें नोट की होंगी. और जब आप बच्चे थे अपने पेरेंट्स से पूछना आप स्कूल जाने से पहले ही हिंदी लैंग्वेज का या आपकी मराठी लैंग्वेज का या आपकी तेलुगु लैंग्वेज का तमिल लैंग्वेज का आप यूज करते थे. तो क्या हम इंग्लिश को भी उसी तरीके से सीख सकते हैं? अब उस समय जब हमने ये सभी लैंग्वेज सीखी, हमारे रीजनल लैंग्वेज को सीखा या नेशनल लैंग्वेज को सीखा, उसको जिस तरीके से हमने सीखा अगर उसी तरीके से हम इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा. तो उसके लिए बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको. आप विद इन अ रूम, आप एटमोसफियर को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास एटमोसफियर नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास कंपनी नहीं है. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूं और बहुत इजी टिप दे रहा हूं कि आप अच्छी इंग्लिश अच्छे प्रोनंसिएशन और अच्छे एक्सेंट के साथ विद इन अ रूम अकेले में भी सीख सकते हैं. हिसार में एकेडमी है PACL फॉर इंग्लिश ट्रेनिंग, वहां पर मैं पिछले 13 साल से ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ इंग्लिश को. 100% सक्सेसफुली प्रोग्राम रहे हैं. अब मैं आपको वो टिप देने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप विद इन अ रूम में बैठ के, एक रूम में एक चेयर पे बैठ के आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं. अगर आप इस प्रैक्टिस को 21 डेज तक कंटिन्यू करें, 21 डेज विदाउट एनी ब्रेक, इसको आप एक डोज बना लें कि मॉर्निंग में आपको 20 मिनट लेनी है, आफ्टरनून में 20 मिनट लेनी है और फिर इवनिंग में 20 मिनट लेनी है, मतलब दिन का 1 घंटा आप डिवोट कर दो इसको, जस्ट 1 आवर इन अ डे एंड लास्ट इट फॉर द 21 डेज. ऑन 22nd डे आप एक ऐसे दोस्त से मिलो जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, वो सरप्राइज हो जाएगा कि आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहां से सीखी. तो मेरा पहला टिप आपसे क्या है, गूगल पे जाएं और कुछ इंग्लिश वीडियोस को फाइंड आउट करें, बट इंग्लिश वीडियोस वो इंडियन स्पीकर की होनी चाहिए. इंडियन स्पीकर की इंग्लिश वीडियोस को आप फाइंड आउट करें और जब आप गूगल पे इंडियन स्पीकर की एक इंग्लिश वीडियो फाइंड आउट कर लेते हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखें और उसको बहुत ही ध्यान से सुनें. और जब आप उसको सुन रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं उनकी लिप्स की तरफ बहुत ज्यादा गौर करिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना वो उसको नहीं पता पानी का मतलब क्या है, वो मम्मी के पापा के लिप्स की तरफ बहुत ज्यादा गौर करता है, बहुत अटेंशन देता है, बहुत ज्यादा ध्यान देता है. और उस ध्यान के कारण वो क्या करता है, वो पानी नहीं मानी बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि लिप्स की मूवमेंट मानी और पानी में एक तरह की होती है. तो आपने भी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मानी और पानी में लिप्स की मूवमेंट एक जैसी होती है. अब आप उनको बहुत ध्यान से देखें, उनके लिप्स को देखें. सिर्फ हम सुन के नहीं सीखते, हम देख कर भी सीखते हैं. तो आपको वो वीडियोस ध्यान से देखनी भी है. मैं भी आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूंगा. और आप ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं तो www.pscl.co.in के ऊपर जाकर भी कुछ वीडियोस वहां से ले सकते हैं, वरना यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भी देने वाला हूँ वीडियोस को हमने देख के एग्जैक्टली करना क्या है. पहले तो हमें उसको देखना है बहुत ध्यान से, फिर उसको हमने बहुत ध्यान से सुनना है, 2-3 बार सुन के उसको समझने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है. मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था पानी का मतलब क्या है, बच्चे को नहीं पता था कि पापा का नाम राहुल है और मुझे राहुल नहीं बुलाना, आपकी दादी आप
आपने देखा होगा बच्चे की दादी बुलाती है राहुल इधर आ, तो बच्चा भी बुलाता है राहुल इधर आ, बच्चे को नहीं पता कि वो पापा है, उसको पापा बुलाना उसको राहुल नहीं बुलाना। परंतु मैं वही चीज तो आपको कहना चाह रहा हूँ, आपने भी ऐसा ही नोटिस करना है, इन्हीं चीजों के ऊपर आपने गौर देना है कि आपको मीनिंग से मतलब नहीं है, आपको वो पर्टिकुलर वर्ड का समझ आना बहुत जरूरी है और जिस तरीके से वो वर्ड बोला जा रहा है उस तरीके से आपका आपको वो समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप वीडियोस को ढूंढें, फिर आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, फिर आप वीडियोस को बहुत ध्यान से सुने। यू नीड टू लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि जब आप उस वीडियोस को सुन रहे होंगे उसका प्रोनंसिएशन आपके कानों में जा रहा होगा, जब आप देख रहे होंगे तो आप उनके लिप मूवमेंट को देख पाएंगे, और जब आप उनके लिप मूवमेंट को देख पा रहे हैं प्रोनंसिएशन कान में जा रहा है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है अब इंग्लिश को सुनने के लिए, और एक बार आपका ब्रेन अगर इंग्लिश को सुनने में इन्वॉल्व हो गया तो सीखना बहुत आसान है। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आप वीडियो को मिमिक करना है। मिमिक की एक्टिविटी क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि मिमिक कैसे करना है। अगर आप मिमिक करना सीख गए वीडियो के साथ तो 21 डेज तक आप दिन में 3 बार 20 मिनट के लिए मिमिक करें, 22nd डे पे यू विल बी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू यू विल बी स्पीकिंग वंडरफुल एंड फैंटास्टिकली गुड इंग्लिश, फैंटाबुलस चेंजेस विल बी देयर इन इंग्लिश। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद वीडियो को चलने में टाइम लग रहा है, इसी बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियोस को आप डाउनलोड करके रख लो, अब तो आपके पास इंटरनेट पैक बहुत अच्छा होगा। सिंस द जियो हैज कम द इंटरनेट हैज बीन द फास्ट फास्टर एंड फास्टेस्ट इवन द स्पीड एंड अनलिमिटेड डाटा, सो आप उसको ऑनलाइन सुन सकते हो, ऑफलाइन में भी डाल सकते हो ताकि आप उसको कंटिन्यूअसली सुनते रहे। वीडियो चल गई है, your second time coming to Berlin with a movie. This time the movie is called My Name. वीडियो के चलते हुए आपने मेरे लिप्स मूवमेंट को देखना है कि मैं वीडियोस के साथ साथ बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। It's calm and it deals with the after effects of 9/11. Do you remember where you were 9/11 and when you heard about what happened? I was in New York actually. With my director's wife, my wife and my little son, and we were to do an interview for the launch of a film called Soha, and the rest of the crew was supposed to fly off to Toronto 4 hours before us. So I was woken up and let's see in this video, Mrs. Hiru. कुछ इसी तरीके से आपने क्या करना है, अब जब वीडियो चल रही थी उसको मैं मिमिक कर रहा था, व्हाट एवर द प्रोनंसिएशन शाहरुख वाज यूजिंग, व्हाट एवर द प्रोनंसिएशन दैट जर्नलिस्ट वाज यूजिंग, दैट विजय वाज यूजिंग, आई वाज यूजिंग द सेम प्रोनंसिएशन, आई वाज यूजिंग द सेम सेंटेंस। अब आपको ये नोट करना है कि वीडियो इंडियन स्पीकर की होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्पीकर का जो एक्सेंट है न्यूट्रल एक्सेंट है, यू वुड नॉट, I am very sure you would not know, you would definitely wonder Indians are the best speaker of the English because we have the best pronunciation of the English, we have the best accent of English, and we have a neutral accent that is called the best accent, and moreover I must tell you one more thing, we are the best at using grammar, we are very good at grammar, we don't make mistake while making sentence in the grammar. So Indians, find out the Indian speaker, listen to them carefully, watch them carefully, and then mimic them. Do it for the 21 days. I'm very sure you'll be improving. And more tips I'll be giving you on the videos a lot. I'll be telling you how to develop your vocabulary in the next of my video of English series. I'll be telling you how to develop the vocabulary, how to develop the confidence in the English. But before that, I want you to start it. Once you start it, tell me. Post on, like, give some comment and tell that we are doing it, we are amazingly doing it, we are improving. Tell me your feedback and I'll be downloading my uploading my next video. Wait for the video and speak fluent English now. Wish you all the best. Thank you very much.